प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं ने अपने घर की बेटियों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसके लिए उन्होंने अलग तरीका निकाला है। महिलाओं ने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर पोस्टर लगाए हैं, जिस पर लिखा है सरकार सुरक्षा दें क्योंकि घर में बेटियां हैं। महिलाएं हाथों में पोस्टर लेकर घूम रही हैं और घरों के दरवाजे पर ये पोस्टर चिपका रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ कांड के बाद महिलाओं ने अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए ये मुहिम चलाई है और वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, हमीरपुर, कानपुर और मेरठ सहित कई अन्य जगहों से भी नाबालिगों के साथ कथित बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। कुशीनगर में 12 साल की बच्ची को घर से उठाकर उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कानपुर में एक शिक्षक ने 15 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। हमीरपुर में 10 साल की बच्ची का नग्न शव मिला। मेरठ में 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार कर हत्या कर दी गई और शव को सीवर में डाल दिया गया। लगातार यूपी में नाबालिगों के साथ हो रहे बलात्कार की बढ़ती घटनाएं बहुत कुछ कह रही हैं। हर दिन एक भयावह घटना घट रही है और सत्तारूढ़ सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, लेकिन देश की जनता में भयंकर आक्रोश दिख रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो कुछ तथा कथित हिंदू संगठन दंगा भड़काने की भी कोशिशों में लगे हुए हैं। तो क्या बेटियां डर की वजह से घर से निकलना छोड़ दें? क्यों सरकार कुछ सख्त कदम नहीं उठा रही? सरकार बेगुनाह पत्रकारों को जेल में डाल रही है और उन्हें मारा भी जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार लोकतंत्र के खिलाफ चल रही है। मोदी जी ने कहा था कि ये जीत उनकी नहीं बल्कि जनता की है, तो इस तरह से जनता का काम कर रही है ये सरकार उन पर जुल्म और तानाशाही करके। आपको सरकार से सवाल करने होंगे क्योंकि सरकार को आप ही ने चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।